हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हैं, लंबाई इसकी 10 है और चौड़ाई इसकी 13 इंच है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अस्तर पे मत जाइएगा। तो ये 3 इंच हम छोड़ देंगे आगे, 2.5 इंच, 2.5 इंच छोड़कर हम ये पीछे भी 2.5 इंच छोड़ देंगे। और बीच बीच में हम 1 इंच लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हल्का सी गुलाई इधर करेंगे, फिर उधर भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा डिजाइन बनने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देख लीजिए, देखिए कि देखा कीजिए, क्योंकि मेरा वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो पा रहा, 214 हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, हमने कट कर लिया है अस्तर का कपड़ा, तो इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। तो हमने सेट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा डिजाइन है, आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना। अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, मैं भी आपको सपोर्ट कर दूंगी। तो ये देखिए, सिलाई कर ली है फ्रेंड्स। तो हल्का से बीच से कट करेंगे। तो ये देखिए, हमारा कट हो गया है। तो हम काट लेंगे कपड़े को, जो बीच का है संभाल के काटना है फ्रेंड्स, नहीं तो कपड़ा कट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। छोटा छोटा कट लगा देंगे। छोटा छोटा कट लगाने के बाद हम एक पिन को निकाल देते हैं। उसके बाद हल्का हल्का नाखून से प्रेस करते हुए ऐसे मोड़ देना है। तो इसके बाद ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा बैठा है। तो इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। तो वीडियो में आप लोग देख लीजिए कैसे मैं कर रही हूँ, एक बार ट्राई ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो हम बगल अरे थोड़ा सिलन लगा देंगे तो हमारा और अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए, हम लगा दिए हैं। ये देखिए कितना प्यारा हमारा बना है। अभी इसको और हम अच्छा बनाएंगे। तो हम सीधी सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो इधर भी हम सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा कपड़ा नहीं घसके इधर उधर। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बता रही हूँ, आप लोग अस्तर पे मत जाइएगा, क्योंकि मेरे पास कपड़ा नहीं था अस्तर का, तो मैंने यही लगा दिया। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने लेस लगाया है। तो आप चाहे तो ब्लाउज का लेस लगाएं, चाहे तो नहीं भी लगाएं। तो हम 3 इंच में 3 इंच चौड़ा एक डोरी हम सिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो हमें पेपर लेना है, इसको फोल्ड कर लेना है, 1 इंच के मार्जिन के बराबर छोड़ के हमें काटना है। तो ये देखिए, हम काट लिए हैं, कितना अच्छे से हमारा कटा है फ्रेंड्स। तो हम एक बार देख लेते हैं, तो बैठ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, नाप लीजिएगा फिर काट दीजिएगा। तो ये देखिए, हम बीचों बीच मोड़ेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद निशान पड़ जाएगा। तो हम वहीं पे मोती लगाएंगे ताकि हमारा ब्लाउज हमारा आस्तीन देखने में और अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, हम सारे मोती को ऐसे लगा लेंगे। तो
जो हमने रखा है। तो ये देखिए बना लिए हैं, एक और बनाएंगे, बीचों बीच फोल्ड करेंगे, उसके बाद सिलेंगे, फिर मोती बैठाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो हम बीचों बीच एक निशान लगा देंगे ताकि हमारे मोतियों की लाइन बिल्कुल भी टेढ़ी ना हो। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में मैं कैसे बना रही हूँ, आप लोग भी वैसे बना लीजिएगा। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही कम समय में आप एक सुंदर न्यू बाजू डिजाइन सी के कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। दोस्तों इस तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे ताकि सिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए हमारा सिक्के कंप्लीट हो चला है। तो हम इसके बीचों बीच रखेंगे। तो बीचों बीच रखने के बाद अब हम की सिलाई करेंगे। तो मैंने अंदाजने के लिए रखा था, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लैस लगाया है। अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगता है तो मत लगाइएगा, तो मेरे पास था तो मैंने लगा दिया है। फ्रेंड्स मेरे पास अस्तर का कपड़ा नहीं था इसलिए मैंने काला कलर का अस्तर लगा दिया, क्या करें। तो आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा डिजाइन बन के हमारा बन गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स कितना ब्यूटीफुल लग रहा है मेरा डिजाइन। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल भी करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।